डायरेक्टली ऐसे स्प्रे कर लेना है, और आप चाहो तो ऐसे फिर हैंड के थ्रू स्प्रेड भी कर सकते हो। इसका टेक्सचर देखिए बिल्कुल जेली की तरह है, ऐसा लगता है खा जाऊं। ज्यादा हो गया, ये प्रोडक्ट मुझे वर्थ इट नहीं लगा। ही एवरीवन, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल, और आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, बिकॉज इसमें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपने टॉप समर एसेंशियल्स, जिनके बिना शायद ही मेरा स्किन केयर रूटीन कंप्लीट होता। इवन मैंने पूरी बॉडी के लिए यूज करती हूँ, मींस मैंने इसमें वो सारे स्किन केयर प्रोडक्ट इन्वॉल्व किए हैं जिन्हें मैं अपनी फुल बॉडी के लिए यूज करती हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिकॉज मेरे स्टार्ट हो चुका है, गर्मियां काफी हद तक हो चुकी है, और ये मेरा मेकअप पहला स्किन केयर का वीडियो है, बिकॉज गर्मियों में हमारी स्किन का ख्याल रखने के साथ साथ स्किन को प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है, टैन से बचाना पड़ता है, स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है, स्किन में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, चेहरे पे फाइन लाइन रिंकल्स स्टार्ट हो जाते हैं, फ्रैकल्स एंड पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम इसी सीजन में हमारे चेहरे पे उभर के आती है। तो इन सब से बचने के लिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, बिकॉज इसमें मैं आपके साथ पूरी डिटेल शेयर करने वाली हूँ कि आपको कौन से मेन प्रोडक्ट्स की नीड होगी। बहुत सारा स्टेप बाय करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम उन्हें यूज नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए उतने ही प्रोडक्ट आपको परचेज करना है जितना कि आप यूज कर पाए और जितना आपकी स्किन के लिए नेसेसरी हो। तो ये वीडियो मैंने इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया कि हमें किन प्रोडक्ट्स की एक्चुअल में नीड होती है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक किए बिना ना जाना। सो नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहला प्रोडक्ट है वो जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, मींस सनस्क्रीन। फेस पे जो भी आप सनस्क्रीन अप्लाई करती हो वो सन प्रोटेक्टर का काम करता है, आपके फेस को यूवी रेज से बचाता है, इसके साथ ही स्किन में आने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक पिगमेंटेशन, फ्रैकल्स, ड्राइनेस या फाइन लाइन रिंकल्स, इनको भी कैंसल आउट करता है। इसलिए बेस्ट होता है कि आप SPF 40 टू SPF 60 के बीच की सनस्क्रीन अप्लाई करें, लेकिन आजकल जो टेम्परेचर इतना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हर एक सनस्क्रीन आजकल SPF 50 या 60 के साथ लॉन्च हो रही है, बिकॉज अगर आप 30 या 40 अप्लाई करेंगे तो वो आपको 2 से 3 घंटे से ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं देगा। अगर आप फुल डे का प्रोटेक्शन चाहते हैं तो आप SPF 50 या 60 यूज कर सकते हो। अभी आजकल मैं ये दोनों सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ, एक आयुगा की है SPF 50 के साथ और एक है सनस्कूप की SPF 60 के साथ। जब मैं घर पे होती हूँ, मुझे बाहर नहीं जाना होता, देन मैं SPF 50 लगाती हूँ, और जब मुझे बाहर जाना होता है देन मैं SPF 60 अप्लाई करती हूँ। ये व्हाइट टेक्सचर के साथ है, जब हम इसे अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो जस्ट हमारे फेस पे ग्लो आता है, लेकिन जब मैं इसे अप्लाई करती हूँ तो मुझे फाउंडेशन यूज करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हर बार हम बाहर जाने से पहले मेकअप नहीं करेंगे। तो इसमें हमें थोड़ा सा टेंट भी मिलता है जो कि एज अ फाउंडेशन या बीबी क्रीम का भी काम करता है, हमारी स्किन से रिलेटेड एक नेचुरल टेक्सचर प्रोवाइड करता है। तो बाहर जाते वक्त मैं इसे यूज करती हूँ, और घर पे ये आयुगा वाली जिसमें 2% चंदन एंड टर्मरिक भी है जो कि हमारी स्किन को एक ब्राइटन इफेक्ट भी देते हैं। लेकिन पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं यूज करती हूँ ये रियो हर्ब्स की स्प्रे सनस्क्रीन जिसमें है SPF 50 PA++++। ये आप ऐसे डायरेक्टली स्प्रे कर सकते हो, सिर्फ फेस को प्रोटेक्ट करना काफी नहीं, आपकी पूरी बॉडी भी टैन हो सकती है, तभी हमारे फेस एंड बॉडी का कलर डिफरेंट हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि बॉडी को भी टैन से प्रोटेक्ट करें देन आप ये चूज कर सकते हो। ये सल्फेट एंड पैराबेन फ्री है, मैं इसे करीब 3 हफ्ते से यूज कर रही हूँ, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, जस्ट मैं अमेजोन पे ऐसे सर्च कर रही थी देन मुझे ये दिखा, मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स रीड करी, उसके बाद मैंने इसका प्राइस देखा, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। ऐसे डबल कैप है इसमें, डायरेक्टली ऐसे स्प्रे कर लेना है, और आप चाहो तो ऐसे फिर हैंड के थ्रू स्प्रेड भी कर सकते हो, कोई चिप चिप नहीं है अप्लाई करने के बाद, बल्कि आपकी स्किन को एक स्मूथ टेक्सचर प्रोवाइड करता है, स्किन बहुत ही सॉफ्ट फील होती है। सेकंड प्रोडक्ट है बेस्ट क्लींजर, क्योंकि बाहर जाते हैं फेस बहुत ही स्टिकी हो जाता है, उसके बाद जो पसीना आता है, पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, पिंपल हो जाता है, स्किन हमारी बहुत ही डल नजर आती है। तो जब भी हम घर आते हैं हमें एक बेस्ट क्लींजर की जरूरत है जो कि हमारी स्किन को डीपली क्लीन कर सके। इसके लिए मैं यूज करती हूँ बायोक्यूल का एक्वा पोरिंग बूस्टर प्लस हाइलुरोनिक एसिड एक्वा बूस्ट हाइड्रेटिंग जेल क्लींजर। आप ये पहली बार नहीं देख रहे हैं, मैंने कई वीडियो में इसे यूज किया हुआ है, और यही आजकल मैं मॉर्निंग एंड इवनिंग में अपने फेस को क्लीन करने के लिए यूज करती हूँ, और ये हर एक स्किन टाइप के लिए सुटेबल है। बेस्ट थिंग कि इससे आपकी स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, इसका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ एंड जेल बेस है, स्किन पे बहुत ही जेंटली बिहेव करता है, अगर आप रब भी करते हो ना तो ऐसे पता नहीं चलता, क्योंकि स्मूथली आपके चेहरे पे काम करता है और स्किन को डीपली क्लीन कर देता है, पोर्स भी क्लीन हो जाते हैं, फेस से ऑयल भी रिमूव हो जाता है, और इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी है, तो ये हमारे फेस को हाइड्रेट भी करता है, वॉश करने के बाद आपके चेहरे पे कोई ड्राइनेस नहीं होती है, बिकॉज इसमें है कॉर्न कर्नल्स एंड नेचुरल शुगर जो कि हमारे स्किन को क्लीन करने के साथ साथ हाइड्रेट भी रखता है,
और स्किन में जो डिस्कलरेशन है ना उसे भी धीरे धीरे करके रिड्यूस करता है। दैट्स व्हाई मैं इसे आपको रिकमेंड कर रही हूँ। मैं अब तक यूज करती हुई आई हूँ और आगे भी मैं इसे यूज करने वाली हूँ। आप फिर से इसे किसी न किसी वीडियो में जरूर देखोगे। एंड यू कैन सी कि हमारा फेस से वॉश करने से ही कितना ज्यादा ब्राइट एंड ग्लोइंग नजर आ रहा है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि मैं इसके साथ ही ऑलवेज यूज करती हूँ वो है बायोक्यूल एवर ग्लो रेडियंस सीरम, जिसमें है विटामिन सी प्लस AHA एंड हाइलुरोनिक एसिड। विटामिन सी एंड हाइलुरोनिक एसिड दो ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपको चाहिए ही चाहिए, चाहे आपकी स्किन में पिगमेंटेशन है, स्किन ड्राई हो रही है, या स्किन में फ्रैकल्स है, स्किन में कालापन है, स्किन हमारी डल हो चुकी है। इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए विटामिन सी एंड हाइलुरोनिक एसिड दोनों ही बहुत अच्छा काम करते हैं। बिकॉज विटामिन सी हमारी स्किन में एक नेचुरल कोलेजन को बूस्ट करता है, पिगमेंटेशन को लाइट करता है, बिकॉज ये मेलानिन के प्रोडक्शन को मैनेज करता है, फ्रैकल्स भी लाइट होते हैं, हमारी स्किन का कलर भी ब्राइट होता है। हाइलुरोनिक एसिड आपकी स्किन को सिर्फ हाइड्रेट ही नहीं करता बल्कि स्किन से फाइन लाइन रिंकल्स को भी रिड्यूस करता है। इस सीरम में दोनों ही इंग्रेडिएंट्स हैं, साथ में AHA भी है। दोज आर ड्राइव फ्रॉम ककाडो प्लम एंड सुगर केन। ककाडो प्लम इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी जो कि आपकी स्किन में कोलेजन को बूस्ट करेगा। इसके साथ ही शुगर केन हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है, नेचुरल शुगर है जो कि आपकी स्किन कॉम्प्लेक्शन को भी इवन करता है। मैं यहाँ पे टेक्सचर की बात नहीं करी, फेयरनेस की बात नहीं करी, एक ब्राइटन इफेक्ट की बात करी हूँ, जो आपका एक्चुअल कलर है वो आपको प्रोवाइड करता है। इसका टेक्सचर भी लाइट वेटेड है, ट्रांसपेरेंट है और स्किन में इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जैसे आप अप्लाई करेंगे, जस्ट आपको 5 to 6 ड्रॉप का ही यूज करना है पूरे फेस के लिए। एंड अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कोई स्टिकनेस नहीं है, इंस्टेंट आपको ग्लो नजर आएगा अपने चेहरे पे। एंड आप चाहें तो इस तरीके से फेशियल मसाज भी कर सकते हैं, मसाजर का यूज कर सकते हैं, या आप हैंड फिंगर्स के थ्रू ही मसाज कर सकते हैं, जिससे आपको एक नेचुरल ग्लो इंस्टेंट मिलेगा। उसके बाद आप चाहें तो अपना कोई भी मेकअप कर सकते हैं। एंड अब बात करते हैं बॉडी केयर एसेंशियल की। सनस्क्रीन तो ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। बात करते हैं मॉइस्चराइजर की, तो अभी मैं यूज कर रही हूँ न्यूट्रीडर्म का ये विटामिन ए मॉइस्चराइजर। हैंड एंड लेग के लिए या बॉडी पे कहीं भी अप्लाई करना है। पहले मैं इसे फेस पे यूज करती थी लेकिन अभी मैं फेस पे कोई भी मॉइस्चराइजर यूज नहीं करती हूँ, सिर्फ सनस्क्रीन एंड सीरम अप्लाई करने के बाद ही मेरी स्किन हाइड्रेट हो जाती है। तो इसलिए एक बार में मैं एक ही प्रोडक्ट अपनी स्किन पे यूज करती हूँ। बहुत ज्यादा प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद मेरी स्किन ना सफोकेट फील करती है। तो बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए तो इसे मैं एज अ लोशन यूज कर रही हूँ, और बॉडी को क्लीन करने के लिए मैंने बाय किया था ये लव ब्यूटी प्लैनेट का टर्मरिक एंड मोरिंगा बॉडी स्क्रब। ये प्रोडक्ट मुझे वर्थ इट नहीं लगा, वैसे तो ठीक ठाक है लेकिन एक तरीके से जैसे मुल्तानी मिट्टी में हम थोड़ा सा राइस फ्लोर मिला लें और उसको स्क्रब बना के पूरी बॉडी पे यूज करें, सेम हमें वैसा ही रिजल्ट मिलता है। इसका प्राइस है 600 रुपीज एंड क्वांटिटी 200 ml है, तो उसके अकॉर्डिंग सच में आपको कॉस्टली लगेगा प्रोडक्ट, क्योंकि जस्ट इसमें मुल्तानी मिट्टी, मोरिंगा एक्सट्रैक्ट एंड शायद उन्होंने वॉलनट के ऊपर का जो कवर होता है ना उसके पाउडर का यूज किया है बॉडी को क्लीन करने के लिए। तो ऐसा कुछ अमेजिंग सा रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, वही रिजल्ट आप पा सकते हैं घर पे थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी, बेसन एंड राइस फ्लोर या थोड़ा सा कॉफी पाउडर यूज करके। आप उसे मिक्स करके रख भी सकते हैं ड्राई फॉर्म में एंड देन थोड़ा थोड़ा पानी मिला के उसे स्क्रब बना के पूरी बॉडी के लिए यूज कर सकते हैं। ये तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, वैसे प्रोडक्ट से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैराबेन एंड सल्फेट फ्री है, कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला, बट रिजल्ट भी उतना अमेजिंग नहीं था। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। एक तरीके से इजी वे होता है अपनी बॉडी को क्लीन करने को, जस्ट आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बाय किया तो अब मुझे फिनिश तो करना पड़ेगा, बट मैं इसे रीपरचेज अब नहीं करूंगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि शायद मैं 4 to 5 टाइम परचेज कर चुकी हूं और आगे भी पता नहीं कितनी बार मैं बाय करने वाली हूं। मैं निविया का कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करती सिवाय मॉइस्चराइजर के, लेकिन ये जो प्रोडक्ट था ना इसने मेरी लाइफ एंड कॉन्फिडेंस दोनों चेंज कर दिया है। जब से मैंने इसको अप्लाई करना स्टार्ट किया है मेरे अंडरआर्म्स काफी हद तक इवन रहते हैं। हालांकि अंडरआर्म्स कभी भी ऐसे क्लीन एंड फेयर नहीं रह सकते जैसा कि हमें एड्स में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ऑलवेज कोई ना कोई डिस्कलेशन एंड पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती रहती है, लेकिन अगर आप इन्हें ऑलवेज क्लीन रखना चाहते हैं, गुड स्मेल चाहते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं निविया केयर पर्ल एंड ब्यूटी रोल ऑन। उससे पहले मैंने स्किन वाइटनिंग रोल ऑन लिया था, उससे भी सेम ही बेनिफिट मिलता है। एक नेचुरल इसमें फ्रेग्रेंस भी है जो कि 3 to 4 घंटे तक स्टे करती है, और ये अंडरआर्म्स को भी हाइड्रेट रखता है, साथ में अपकमिंग जो पिगमेंटेशन या डार्कनेस है ना उसे भी कैंसल आउट करता है। और ये ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, आप ये चाहे तो यूज करें या कोई और भी बाय कर सकते हैं। वैसे भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, जस्ट मैं वो प्रोडक्ट शेयर कर रही हूं जो मैं यूज करती हूं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है नाइट क्रीम। इसके साथ ही मेरा ऐसा ही है कि मैंने बाय कर लिया तो अब मुझे इसे फिनिश करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रोडक्ट खराब हो जाता है, इतना पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं। ये है रीसरफेस की मल्टी करेक्शन नाइट क्रीम। इसमें है एस्कॉर्बिक एसिड जो कि विटामिन सी ही है जो हम प्रोनाउंस करते हैं। इसके साथ इसमें नाइसिनमाइड भी है जिसके लिए हमें डर्मेटोलॉजिस्ट भी रिकमेंड करते हैं। ये मैं डेली तो नहीं यूज करती बट हफ्ते में 2 to 3 बार यूज कर लेती
लेती हूँ। यूजुअली मैं अपना वो DIY नाइट क्रीम यूज करती हूँ जो कि ऑलरेडी मैंने आपसे शेयर कर रखा है। लास्ट प्रोडक्ट है बायक्यूल का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिप बाम जो कि मेरे लिप्स के लिए बहुत जरूरी है। एंड मैंने बायक्यूल के दूसरे प्रोडक्ट ट्राई किए थे तो ये भी मैंने बाय कर लिया। मुझे काफी क्यूट पैकेजिंग लगी इसकी एंड प्रोडक्ट भी बहुत ही अमेजिंग है। मेरे लिप्स चाहे विंटर हो या समर बहुत ज्यादा चैप्ड हो जाते हैं, स्किन बार बार पील होती रहती है और जितना मैं स्क्रब करती हूँ ना उतना ज्यादा ड्राइनेस होती है, तो इसलिए मैं स्क्रब ना करके डायरेक्टली लिप बाम अप्लाई कर लेती हूँ जिससे लिप्स हाइड्रेट भी रहते हैं, एक नेचुरल टिंट भी रहता है लिप्स में और चैप भी नहीं होती। और जब से मैंने ये बायक्यूल का लिप बाम बाय किया ना मेरे लिप्स सच में बहुत ही ज्यादा सुधार आया है, इनमें कम चैप करते हैं, ड्राइनेस कम होती है और हाइड्रेट रहते हैं जिससे अगर मैं कोई भी लिपस्टिक लगाती हूँ तो रफनेस नहीं रहती है। इसमें है स्क्वालिन ओमेगा प्लस विटामिन ई ऑलिव एंड आलमंड जो कि हमारे लिप्स के लिए काफी सेफ इंग्रेडिएंट्स होते हैं बिकॉज ये स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है। अगर आप इस पर कुछ भी अप्लाई करोगे तो आपकी स्किन डैमेज हो सकती है, इवन आउटर में पिगमेंटेशन भी स्टार्ट हो सकती है। तो इन सब से बचने के लिए हमें ऐसे इंग्रेडिएंट अप्लाई करने पड़ते हैं जो कि हमारे लिप्स को हाइड्रेट रखें साथ में सेफ भी रखें। ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, इसका टेक्स्चर देखिए बिल्कुल जेली की तरह है, ऐसा लगता है खा जाऊं। तो ये थे वो सारे प्रोडक्ट जो कि मैं अपनी स्किन के लिए समर में यूज करती हूँ या करने वाली हूँ। इसमें से कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि मैं काफी लंबे टाइम से यूज कर रही हूँ, जैसे आयुगा की ये सनस्क्रीन जिसे यूज करते हुए मुझे 1 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया है। और अभी रिसेंटली मैंने एक फॉक्सटेल की सनस्क्रीन भी बाय की, अभी तक मैंने उसे अनपैक नहीं किया है। बहुत ज्यादा हाइप कर रही है फॉक्सटेल की सनस्क्रीन जो भी जितनी भी है, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी ट्राई करती हूँ, मैं जल्द ही उसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी। अगर मुझे पसंद आया तो मैं रिकमेंड भी करूँ। तो ये जितने भी समर एसेंशियल थे मैंने सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए, जो भी आपको सही लगे, जो भी आपके बजट में हो, जो भी आपको पसंद आया आप डायरेक्टली वहां से जाके परचेज कर सकते हो। लाइक बायोक्यूल का एक्वा बूस्ट फेस क्लींजर, ये तो आपको जरूर पसंद आएगा, जरूर ट्राई करके देखना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।